अब हम बात करेंगे कि एमएस एक्सेल में जो डेक्स लैंग्वेज है वो क्या चीज है। डेक्स क्या है? डेक्स जो है वो एक सोफिस्टिकेटेड फार्मूलाज टाइप लैंग्वेज है, जो कि जब आप रिलेशनल डेटा और एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में काम करते हैं तो उस वक्त ये लैंग्वेज जो है वो यूज की जाती है। डेक्स क्या है जी? डेक्स स्टैंड्स फॉर डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। इट अलाउज यूजर्स टू परफॉर्म स्लाइटली एडवांस एंड कस्टम कैलकुलेशंस अपॉन वेरियस डेटा टाइप्स लाइक करेक्टर डेटा, डेट एंड टाइम, टाइम इंटेलिजेंस एंड मेनी मोर। डेक्स जो है वो अपने यूजर्स को इस काबिल बनाती है कि वो स्लाइटली एडवांस जो कैलकुलेशंस है डिफरेंट डेटा टाइप्स के accordingly वो परफॉर्म कर सके। DAX extends the capability of Excel's built-in functions by providing advanced data type. DAX extends the capabilities of Excel's built-in functions by providing advanced data manipulation and analysis capabilities. DAX की वजह से जो built in functions है उनमें थोड़े advanced जो है data manipulation और data analysis की capabilities बढ़ जाती हैं। अब देखते हैं डेक्स के फंक्शन कौन कौन से हैं। इसका पहला फंक्शन है जी डेक्स टेबल वैल्यूड फंक्शन, डेक्स फिल्टर फंक्शन, डेक्स एग्रीगेशन फंक्शन, डेक्स टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, डेक्स डेट एंड टाइम फंक्शंस, डेक्स इंफॉर्मेशन फंक्शंस, डेक्स लॉजिकल फंक्शंस, डेक्स मैथ एंड ट्रिक फंक्शंस, डेक्स अदर फंक्शंस, डेक्स पेरेंट एंड चाइल्ड फंक्शंस, डेक्स स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, डेक्स टेक्स्ट फंक्शंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेक्स का डेट और टाइम फंक्शन कौन सा है। इसके लिए हमने एक वर्कशीट को ओपन कर लिया। वर्कशीट को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे जो डेटा की टूल बार मेन्यू है इस पर क्लिक करेंगे। डेटा के टूल बार मेन्यू पे क्लिक करने के बाद जब आप डेटा टूल्स के टूल बार ग्रुप में जाएंगे तो मैनेज डेटा मॉडल है, मैनेज डेटा मॉडल पे आपने क्लिक करना है। मैनेज डेटा मॉडल पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक जो पेज ओपन होगा ये है पावर पिवट फॉर एक्सेल। ये पावर पिवट का पेज है। इस पे यहाँ पे आपने गेट एक्सटर्नल डाटा पे क्लिक करना है। गेट एक्सटर्नल डाटा पे क्लिक करने के बाद आपके पास डिफरेंट सोर्सेज के लिए ऑप्शंस आ जाएंगे जहाँ से आप डाटा जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रॉम डेटाबेस, कोई डेटाबेस ऐप उससे इंपोर्ट कर सकते हैं डाटा। फ्रॉम डेटा सर्विस, किसी भी डाटा के सर्विस से कोई डेटा के सोर्सेज होंगे वहाँ से। फ्रॉम अदर सोर्सेज, एग्जिस्टिंग कनेक्शंस, हम यहाँ पे फ्रॉम अदर सोर्सेज पे क्लिक करेंगे। अदर सोर्सेज पे क्लिक करने के बाद, स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम एक्सेल फाइल पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सेल जो हम फाइल इसमें इंपोर्ट करना चाह रहे हैं उसका पाथ हमसे मांग रहा है। ब्राउज करेंगे, ब्राउज करने के बाद मेरे पास, ब्राउज करने के बाद हम यहाँ पे ये जो फाइल है इसको इंपोर्ट करेंगे और इसको पाथ देने के बाद इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये हमारी डाटा शीट जो है वो एक शीट है वो कह रहे हैं ये यहाँ पे इंपोर्ट हो रही है। फिनिश पे क्लिक करेंगे तो क्लोज पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये डाटा शीट जो है वो इंपोर्ट हो गई है। डाटा शीट जो इंपोर्ट हुई है हम इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेंगे। जैसे हम कॉलम्स को सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट अवेलेबल इन दैट कॉलम, हमने इन कॉलम्स की जो है वो सेटिंग कर ली है। अब ये हमारे पास जो फॉर्मेट हमारे पास आया है डाटा सेट का, उस फॉर्मेट में नेम है एम्प्लॉयज के, एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉयज का डेजिग्नेशन है, यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ है और ये उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। अब हम ये चाहते हैं कि हम पावर पिवट टेबल को यूज करते हुए हम यहाँ पे उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है उसको चेक करना चाहते हैं। हम यहाँ पे इसको कॉलम को नेम दे लेते हैं क्योंकि हम रिटायरमेंट चेक करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे रिटायरमेंट। एज, अब ये हमारे पास जो कॉलम है रिटायरमेंट एज का बन गया है। रिटायरमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है उसके अकॉर्डिंग जो है हम फार्मूला लगाएंगे टू फाइंड आउट द रिटायरमेंट एज ऑफ एम्प्लॉयज। रिटायरमेंट एज लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंपनी, एक कंपनी का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग 65 एज में जो एम्प्लॉय है उसकी रिटायरमेंट होनी है। तो इसका मतलब यह है एज ऑफ 65 जो है वो उसकी लास्ट डेट है, या आप उसको कह दें कि 65 ईयर्स जो है वो एम्प्लॉय की रिटायरमेंट एज है। जिस तरीके से हम एमएस एक्सेल की वर्कशीट में हम फार्मूला लगाते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पे भी पावर पिवट जो है इसमें भी वैसे ही फार्मूला लगाएंगे। कैसे लगाते हैं जी? इक्वल। अब हमारे पास रिटायरमेंट एज जो है फाइंड करने के लिए है फार्मूला ई डेट टैब। अब यहाँ पे है स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट है हमारी शीट वन में। रिटायरमेंट एज जो होती है वो हमेशा डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होती है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग नहीं होती। हमारे पास डेट ऑफ बर्थ का जो डाटा है वो F4 जो कॉलम है उसमें मौजूद है। हम F4 को सिलेक्ट करेंगे कॉमा, उसके बाद मंथ्स को सिलेक्ट करेंगे। कितने मंथ्स हैं एक साल में? 12। मल्टीप्लाई कर देंगे हमने किस एज में जाके रिटायरमेंट एज फाइंड करनी है, तो वो होगी 65। करने के बाद ब्रैकेट क्लोज,
एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये रिटायरमेंट एज वाले जो पूरे के पूरे कॉलम में मौजूद जो डेट ऑफ बर्थ थी रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयज की, उनके अकॉर्डिंग जो है वो रिटायरमेंट एज यहाँ पे शो हो जाएगी। लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास मुसद्दिक साहब हैं, उन वो CEO हैं और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 2/5/1987 और इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनकी जो रिटायरमेंट एज बनती है वो है 2/5/2052। तो ये 5 फरवरी 2052 में जो इनकी एज होगी वो रिटायरमेंट एज होगी और उस इस डेट पे उनका जो वर्किंग टेन्योर है वो कंप्लीट हो जाएगा और वो एज जो है उनकी रिटायरमेंट एज है।